हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाद दिल्ली का चैनल। आपके लिए लेकर आया है देगी मटन कोरमा की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप घर में ही देग जैसा मटन कोरमा बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से व्यूअर्स, और अपने गेस्ट को खिला सकते हैं ईद पर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मटन देगी कोरमे के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला पीस लेते हैं। देखिए, दो दालचीनी के टुकड़े लिए हमने, हाफ टी स्पून जीरा लिए, दो से तीन हमने तेज पात के पत्ते लिए हैं, और ये हमने दो बड़ी इलायची है जिसके दाने हम डालेंगे ग्राइंड करके, दो तीन से चार ग्रीन इलायची है, जावित्री है दो टुकड़े, और दो से तीन लौंगे हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मसाले में। और सबसे पहले देखिए मटन लिया है हमने, ये गोश्त जो होता है ये हाफ के जी है, और इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है जो कि दो टेबल स्पून है, और ये कुछ मसाले हैं जो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, तीन टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, दो टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्वार्टर टीस्पून हमने हल्दी ली है, और ये हमने दो टीस्पून नमक लिया है, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं आप। ये दही लिया है आधा कप। ये देखिए, मटन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, जो प्याज थी दो बड़ी साइज़ की हमने इसको इस तरह फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी देखिए, इसमें हमने दो सर्विंग स्पून हमने घी लिया था, इसे हमने गर्म कर लिया था फ्राई किए क्योंकि हमने प्याज को, उसके बाद हम अपना गोश्त डाल देंगे इसके अंदर। मटन बस देग वाले बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, जो देग की रेसिपी हम आपको देना, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे आपका बिल्कुल देगी कोरमा बनेगा। इसमें जीरा गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, लहसुन अदरक, और ये सारे मसाले डाल देते हैं, और दही को भी साथ में ही डाल देंगे। दही को साथ में डाल दिया है, वो बस थोड़ा सा ही हम इसको भून लेते हैं। देखिए, हमारा जो मसाला है वो भून गया है। अभी बस क्योंकि मटन है तो हमें इसे टेंडर करना पड़ेगा, तो हम प्रेशर कुकर में इसको थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, और इसका प्रेशर कुकर का हम इसको कवर करके इसको हम चार से पांच विसल पर इसको हम गलाएंगे, गोश्त को टेंडर करेंगे। बस आप एक बात का जिक्र करते चले कि हमारा नया चैनल देख भाई देख भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी वीडियोस अपलोड होने लगी हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा निकाल ज़्यादा ही कम पानी इतना है नहीं, हम इसको पानी चलाएंगे यानी कि इसको भूनेंगे, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है हमें। और इस भूनते हुए हम यहाँ पर अदरक करके डाल देंगे, दो इंच का टुकड़ा हमने ये काट लिया है बारीक बारीक, भुनते में डालते हैं देख वाले। बिल्कुल इसी तरह बनाना है, बिल्कुल देखिए कोरमा बन रहा है। ये देखिए, इसकी दानेदार चटनी भी बन गई है भुन में, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कोरमा बन रहा है हमारा। और बस इतना भूनना है इसको हमें कि ऑयल सरफेस पर आ जाए, उसकी जो चटनी है, जो ग्रेवी है, वो काफी थिक हो जाए। और जो हमने खड़े मसाले आपको दिखाए थे उस टाइम हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, अपनी प्याज जो होती है हमारी, जो फ्राई हुई प्याज थी हमारी, इसके साथ हम इसको बड़ी इलायची को हम तोड़कर इसके दाने डाल देते हैं, बाकी मसालों को डाल देते हैं। व्यूअर्स, काली मिर्चों को आप कम ही डालिएगा, इससे टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वरना। ये देखिए, देख वाले की तरह हमने इस तरह डाल दी है अपने प्याज को और इस मसालों को साथ। बस इसे दम पर करेंगे सिमर 5 मिनट, और ये हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया है घर में देख जैसा कोरमा, शादियों वाला कोरमा। इसे आप तंदूरी रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को और देख भाई देख को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।